नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। कई दिनों से मैं जो हिंदुत्व के बुलशिट के बारे में बात कर रहा हूं, तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार ये सब करने की जरूरत क्या है, लोगों को क्यों नाराज कर रहे हो, हिंदूज जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है इंडिया के, तुम भी उन्हीं में से हो, तुम्हारा नाम कृष्णराज राव है, तुमने अपना नाम तो कहीं बदला नहीं है, तुम कहीं क्रिश्चियन तो नहीं हो गए हो, मुसलमान तो नहीं हो गए हो, तुम क्यों ओवैसी के बारे में बात नहीं करते हो, तुम क्यों जाकिर नायक के बारे में बात नहीं करते हो, उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हो, तुम क्यों पाकिस्तान के इमरान खान को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, क्यों मोदी को क्रिटिसाइज करते हो, तुम क्यों इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज नहीं करते हो? इसका जवाब दोस्तों बहुत बहुत सिंपल है। अगर आप सुनना चाहते हो, जो लोग समझना चाहते हैं, मैं समझा रहा हूं। बात ऐसी है दोस्तों कि मुझे इमरान खान क्या करता है उसकी पड़ी नहीं है, ओके। मुझे मुसलमान क्या करते हैं उसकी भी पड़ी नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिटिकल फोर्स। आज के तारीख में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट चीज है हिंदुइज्म या हिंदुत्व। हिंदुत्व इज द वेपनाइज्ड फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। वो हिंदुइज्म को लेके एक आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। दिखता है कि यार ये तो हिंदुइज्म है, लेकिन ये हिंदुइज्म नहीं है, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और मैं जो बात कर रहा हूं, इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं। अब ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये टिका हुआ है एक इरेशनल बिलीफ सिस्टम पर। इरेशनल, अनरीजनेबल, जो सही नहीं है, जो दुनिया के साथ जिसका तालमेल नहीं है। ये जो हम देवी देवताओं की बात करते हैं, ये राम मंदिर बन रहा है, राम भगवान का नाम लेके, उनका राम का वास्ता देके आपसे वोट ले रहे हैं ये लोग, मुसलमान को दुश्मन ठहरा के आपसे जो वोट ले रहे हैं ये लोग, एक हवा बना के आपसे वोट ले रहे हैं, आपसे आपको दुश्मनी करवा रहे हैं। तबलीगी जमात कह के एक फ्रेंजी क्रिएट कर दिया था गए साल 2020 में, और अब 2021 में भाई हमारे यहां तो कुंभ मेला हुआ। कुंभ मेले के बाद जो हुआ वो तो आपने सबने देखा कि बहुत ही भयानक थर्ड वेव आया, लेकिन किसी ने ऐसे नहीं कहा कि कुंभ मेले की वजह से हुआ है या इस तरह से मिलजुलने से कोरोना वायरस हुआ, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन में जो रैलीज किए उसके कारण से ये हुए हैं, कोविड-19 के केसेस हुए, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ, ऐसे कोई नहीं कह रहा है। लेकिन तबलीगी जमात कह के जो आपने मतलब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने जो मुस्लिमों के बारे में हेट्रेड फैलाया था, उनका डर फैलाया था, ये इसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नतीजा है। हिंदुत्व इज हिंदुइज्म वेपनाइज्ड। मैं इसका विरोध करता हूं। अब आप कहोगे यार हिंदुइज्म का क्यों विरोध करते हो, तुम भी तो हिंदू हो, कृष्ण तुम्हारा नाम कृष्णराज राव है, हाँ तो मैं क्या मेरा नाम बदल के नंबर प्लेट रखूं क्या? शुड आई मेक माई नेम इन टू MH01-4010? वॉट डू यू मीन? अब मेरा नाम जो है वो है, मैं जो हूं वो हूं। आई एम नॉट रिजेक्टिंग माई नेम, आई एम नॉट रिजेक्टिंग माई कल्चर ऑल्सो, आई एम अ कल्चरल हिंदू, आई कंटिन्यू टू बी अ कल्चरल हिंदू। हमारे घर में रहन सहन जो है वो हिंदू की तरह से रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान में मानता हूं, मेरे परिवार वाले मानते भी होंगे, मैं नहीं मानता हूं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हमारे परिवार में। सो स्टॉप डाइवर्टिंग फ्रॉम द इशू। द मेन पॉइंट इज फ्रेंड्स, वी हिंदूज आर सो फुल ऑफ बुलशिट। हमारे पास इतने सारे बुलशिट बिलीफ्स हैं, जिस चीज पे टिका हुआ है, बुलशिट बिलीफ्स पे टिका हुआ है, तो मैं आपको ये सब बुलशिट बिलीफ्स सामने ला के समझा रहा हूं, ओके? अब आगे कोई देखना चाहता है इस वीडियो को तो देखे, बट विद द स्टैट्यूटरी वार्निंग कि ऑफेंसिव हो सकता है। आपको अगर ऑफेंड होने वाला है, आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे हिंदुत्व या हिंदुइज्म पर अटैक हो रहा है, तो मत सुनो, मत देखो। YouTube का सबसे अच्छा फीचर यही है कि आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, कुछ और जाके देखो यार। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब कि आप ऑफेंड होना चाहते हो या ऑफेंड होने का रिस्क लेना चाहते हो।
कुछ समझने के लिए। तो सुनिए, हिंदुत्व बुलशिट नंबर 5। हिंदुत्व बुलशिट नंबर 5 क्या है? कि वो आपके लॉजिक में, आपके रीजनिंग में छेद करता है। क्या इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि सिर्फ हिंदुइज्म आपके रीजनिंग में छेद करता है? नहीं, इस्लाम भी करता है, क्रिश्चियनिटी भी करता है, बुद्धिज्म भी करता है, एंड फॉर दैट मैटर कम्युनिज्म भी करता है। ओके? कोई भी इज्म हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो जो आप, जिसे आप एकदम पकड़ लेते हो और फिर आप रीजनिंग को छोड़ देते हो, आप लॉजिक को छोड़ देते हो, सिर्फ आइडियोलॉजी पे चलते हो, चाहे किसी का भी आइडियोलॉजी हो, वो आपके रीजनिंग में छेद करवाता है। तो आपके रीजनिंग, आपके लॉजिक में छेद जो है वो क्या है, मैं आपको थोड़े छेदों का आइडेंटिफिकेशन देना चाहता हूं। रीजनिंग क्या है पहले वो समझाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। दोस्तों ऐसा है कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने माइंड में दुनिया का एक मैप बना रहा है। दुनिया किस तरह से चलती है इसका एक मैपिंग होता है अपने दिमाग में। तो माँ बाप जो कहते हैं उसकी वजह से उसका मैपिंग होता है। तो जैसे कि बच्चा घर से बाहर जाता है, अगर माहौल अनसेफ है तो माँ बाप बच्चे को कहते हैं बेटा गेट से बाहर मत जाना, हो सकता है कि किडनैप हो जाओगे। तो बेटा उस चीज को अपने दिमाग में रिकॉर्ड करता है कि हाँ गेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसमें खतरा है। वो तो कुछ कुछ भी समझता नहीं है, वो तो अपने आप से चल के रोड पे भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन माँ बाप ने उसे कंडीशनिंग किया बेटा ये मत करना। सेम वे वो कंडीशनिंग करते हैं बेटा कहीं पे भी किसी भी ऐसी गंदी चीज को हाथ लगाते हो ना तो हाथ धो लो, उस हाथ को मुंह में कभी मत डालना, उस गंदे हाथ से कभी कुछ खाना मत। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन सेट उसके दिमाग में चला जाता है। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज सेफ, व्हाट इज अनसेफ, व्हाट इज लाइफ थ्रेटनिंग, ये सब उसके समझ में आता है। बेटा रोड क्रॉस कर रहे हो तो संभाल के करो, मत भागो, देख के करो, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर माँ बाप ने बच्चे के दिमाग में इरेशनल फियर्स डाल दिए हैं तो इरेशनल फियर्स यानी कि जो उन ऐसे ऐसे डर जो सही नहीं है, जो सच नहीं है, तो वो डर अगर उसके दिमाग में डाल दिया है तो वो इरेशनल इंसान बनता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, बहुत सारे माँ बाप कुत्ते और बिल्लियों से बच्चों को डराते हैं, बेटा नजदीक मत जाओ वो काट लेगा, बेटा हाथ मत लगा उसको वो काट लेगा। लेट मी टेल यू एज एन एनिमल लवर, मोस्ट डॉग्स आर हार्मलेस। 99.9% डॉग्स आप मिलोगे, आप उसके मुंह के सामने हाथ रखोगे तो भी वो नहीं काटेगा, लेकिन माँ बाप उसे डरा के रखते हैं बेटा वो काट लेगा। तो फिर उस बच्चे के दिमाग में एक इरेशनल फियर बैठ जाता है, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो काट ले। वो तो माँ बाप को ही अपना गाइडेंस सिस्टम समझता है। तो इस तरह से माँ बाप अपने इरेशनल फियर्स, अपने इरेशनल बिलीफ्स को भी बच्चे के दिमाग में उतार देते हैं। जैसे हम कुत्तों से डरना सीखते हैं वैसे ही हम दूसरे धर्मों के लोगों से भी डरना सीखते हैं, अपने माँ बाप से। तो अगर कोई हिंदू बच्चे को अपने उसके माँ बाप कहें कि बेटा मुसलमानों से दूर रहियो, वो ऐसे कर देंगे, वो वैसे कर देंगे, तो ये एक उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मुसलमान डेंजरस है या मुसलमान खराब है या मुसलमान हमसे इंफीरियर है। मुसलमान लोगों के घर में भी ऐसी बातें चलती है, वो भी इरेशनल है। हिंदू लोगों से बच के रहना, वो लोग ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो मारवाड़ी हैं, यानी इस टाइप के ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और बच्चों के दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। अब इस टाइप के नेगेटिव मैसेजिंग से क्या होता है? नेगेटिव मैसेजिंग से बेटा बच्चा इरेशनल होता है। इरेशनल मतलब शॉर्ट में कहूं तो पागल, ओके, लॉजिक पे न चलने वाला। अब अगर बच्चा बड़े होते 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 लॉजिक पे नहीं चलता है, लॉजिक की पटरी को छोड़ देता है ना, तो जितना वो लॉजिक की पटरी को छोड़ता है उतना वो पागलपन के तरफ जाता है। बच्चे को बहुत सारे ऐसे पागल वाले बात अगर डाल दोगे उसके दिमाग में, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बेटा जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, ठीक है, सही है,
नॉट अ बैड, आई मीन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट की तरह से देखोगे तो ठीक है, लेकिन फिर अगर कुछ हो जाता है तो आप इरेशनली ब्लेम अगर करोगे, देखो बेटा ऐसे था ना, वो इसके कर्मों की वजह से हुआ, वो एक्सीडेंट हो गया ना, वो एक्सीडेंट उसके कर्मों की वजह से हुआ, तो इस तरह से वो विक्टिम ब्लेमिंग सीखता है वो बच्चा जो है वो। अच्छा अच्छा वो जो लड़का था जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो मर गया, वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था, वो इसलिए मरा क्योंकि भगवान की मर्जी थी या अल्लाह की मर्जी थी। तो इस तरह का जो एक मैसेजिंग चला जाता है उसके दिमाग में, वो टॉक्सिक है, वो हार्मफुल है, वो उस बच्चे के लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और करके रहता है। ये लड़का भी बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाएगा, बोलेगा भगवान की मर्जी होगी तो मर जाएंगे। अरे बेटा थोड़ा अक्ल से काम ले, भगवान की मर्जी ऐसे सब ये फिलोसॉफिकल कंसेप्ट के पीछे अपना पागलपन मत छुपा। तो ये टाइप के बहुत सारे इरेशनल बिलीफ्स हैं जो हमारे दिमाग में भरते हैं, भूसे की तरह भरते हैं, बहुत सारे इरेशनल बिलीफ्स हैं। कर्म का जो एक बिलीफ है उसे एग्जामिन करना तो कम से कम बनता है। मैंने भी बहुत साल तक कर्म को माना है कि कर्मा जो कुछ भी होता है कर्मा की वजह से होता है, रीइंकार्नेशन मैंने माना है, मैंने खुद ने माना है, शायद मैं 30-40 साल का था तब तक, कर्मा रीइंकार्नेशन डिवाइन विल ऐसी बहुत सारी बातों को मैं खुद मानता था, बहुत मानता था, भूतों से भी डरता था, भूत पिशाच में मानता था। लेकिन इरेशनल जो बातें हैं जैसे कि भूत पिशाच वगैरह, ये बातों को अगर ठीक से दिमाग में उतार लेते हो और उसके हिसाब से अगर लाइफ जीना शुरू कर देते हो तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका दुष्परिणाम क्या है। तो एक एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल वाला एग्जाम्पल देता हूं। आपने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि एक पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है, क्यों करती है, क्योंकि उनके गुरु ने कहा कि तुम ऐसे करो कि बेटा तुम पूरा फैमिली है ना अपने आप को फांसी पे लटका लो और नेक्स्ट डे पूरा जीवित हो जाओगे, और जीवित ही नहीं मालामाल हो जाओगे, आपके पास हर चीज होगा दुनिया का, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये टाइप के जो आइडियाज इनके दिमाग में डाल देते हैं, या फिर आपको संतान नहीं है तो आप एक बच्चे की बलि दो, बच्चे की बलि दोगे तो फिर आपके पेट में जो आत्मा आएगी वो पैदा होगा, वो ऐसा होगा वैसा होगा, वो राजा होगा, या आपका संतान होगा अगर आपने एक बच्चे का बलि दिया तो। इस टाइप के आइडियाज तांत्रिक वगैरह डालते हैं आपके दिमाग में, ठीक है। और ये तांत्रिक बाय द वे हर एक रिलीजन में होते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू वाले होते हैं, मुसलमान में भी बाबा लोग होते हैं, ओके, और कुछ मुसलमान बाबा लोगों में मानते भी हैं, बाबा बंगाली टाइप के लोग, तो वो लोग भी जो झाड़ फूक करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, दुआ करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तावीज बांध देंगे, इरेशनैलिटी है। मैं ऐसे कहीं नहीं कह रहा हूं कि उनके अंदर इरेशनैलिटी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर, हिंदूज के अंदर जो इरेशनैलिटी है उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। बुलशिट नंबर 4, नहीं सॉरी, बुलशिट नंबर 5 ऑफ हिंदुत्व, इसकी वो आपके दिमाग में कई जगह से छेद कर देता है, वो भक्ति के नाम से छेद कर देता है आपको, वो महाभारत और भगवत गीता के नाम से भी छेद कर देता है, वो एक पूरा ही अलग डिस्कशन है। आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता का जो मैसेज है मैं उसे एडमायर भी करता हूं, उसने मेरे लाइफ को अफेक्ट भी किया है, इन्फ्लुएंस भी किया है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस है, इट्स अ वेरी न्यूएंस्ड बुक। वो मैसेज को समझने के लिए यू कैन डू, आई मीन इट कैन मेक यू अ वेरी बैड पर्सन, वो मैसेज से बहुत बुरे काम भी कर सकते हो आप। तो अच्छा और बुरा आप भगवत गीता से मत लो भाई, भगवत गीता को अगर आप कहोगे कि नहीं वो तो पहले से मर चुके हैं अब मैं मारूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आई गिव यू एन एग्जांपल, ये टाइप का जो फिलॉसफी है ना, बिल्डर्स
के जो एम्प्लॉयज होते हैं, सेल्स ऑफिस वाले, लोगों को रोज बकरा बनाते हैं। अगर उन लोगों ने भगवत गीता का मैसेज ले लिया तो वो कहेंगे, अरे ये तो बलि के बकरे ऑलरेडी हैं, ये बकरे बन के ही आए हैं हमारे सेल्स ऑफिस में, अब वो हमसे हलाल हो या किसी और से हलाल हो क्या फर्क पड़ता है, वो तो हलाल होने को ही आए हैं। बेटा कृष्ण ने कहा है कर्म करो और फल का की आशा मत करो, ये हलाल हो गए, हमने बकरा बना लिया, हमने उनको एक्सप्लॉइट कर लिया, हमको कमीशन मिल गया, हम तो कर्म कर रहे थे, उन पे दया खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह का भी एक मैसेज लिया जा सकता है और लिया जाता है। बुरे काम करने वाले भी इस टाइप के मैसेजिंग लेते हैं, इवन फ्रॉम भगवद गीता या ऐसे ग्रंथों से। तो आप इन बातों को एब्सोल्यूट नहीं समझ सकते हो। एक मर्डरर भी ये कह सकता है, अरे राम भगवान ने भी तो वाली का वध किया था, कृष्ण भगवान ने भी तो शिशुपाल का वध किया था, कंस का वध किया था, राम भगवान ने भी रावण का वध किया था, काली माँ ने भी राक्षसों का वध किया था। इन शॉर्ट मर्डर, किलिंग। तो वध, अभी ये टाइप की फिलॉसफी हो जाती है तो गलत है। इट्स अ वायलेंट फिलॉसफी, इट इज एन इरेशनल फिलॉसफी। क्यों इरेशनल है? क्योंकि आज अगर कोई कहेगा मैंने उसका वध कर डाला क्योंकि वो अधर्मी है, इस टाइप से वो अगर कोर्ट में अपना डिफेंस पेश करेगा तो डेफिनेटली वो हैंग हो जाएगा बॉस, उसको हैंगिंग की सजा मिल जाएगी। कोई ऐसे कहेगा नहीं नहीं वो अधर्मी था, मैंने सोचा कि वध कर देना चाहिए, कोई ऐसे डिफेंस करता है क्या? आप कोर्ट ऑफ, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इस टाइप के ये कहोगे ही नहीं, ये टाइप के शब्द नहीं कहोगे। आपका लॉयर आपको कहने ही नहीं देगा, आपका लॉयर आपको एडवाइस करेगा, बॉस ये वध करना और ये अधर्मी और ये सब भाषा जो है ना, ये भाषा में तुम कोर्ट में मत बात करो, नहीं तो तुमको सीधा फांसी पे टिंगा देंगे। ओके, डिफेंस करना होगा अपने एक्शंस का डिफेंस तो एक लॉजिकल रीजनिंग से होना चाहिए। किसी भी कोर्ट में कोई भी चोर ये नहीं कह सकता है नहीं 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 वो पुनर्जन्म की बात है, गए जन्म में उसने मुझसे लिया था, अब ये जन्म में मैं उससे ले रहा हूं तो हमारा हिसाब किताब बराबर हो रहा है, रीइनकार्नेशन के की वजह से मैं वापस आया हूं उससे हिसाब चुकता करेंगे, ऐसे कोई बात करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन इस टाइप के कई विचार हमारे दिमाग में आते हैं, डाला जाता है, हम सोचते रहते हैं कि हाँ हाँ ये सब ठीक है, रीइनकार्नेशन है, पुनर्जन्म है, हिसाब किताब है, पुनर्जन्म का हिसाब किताब है, गए जन्म में उसने मुझसे ऐसे किया था, मैं उसका बदला ले रहा हूं। लोग ऐसे सोचते हैं, बात भी करते हैं। तो ये सब जो इरेशनैलिटी है ये आपके लॉजिक में, आपके रैशनैलिटी में छेद करता है। तो हिंदुत्व बुलशिट नंबर 5 ये है कि आपकी रैशनैलिटी, आपका माइंड, आपकी सैनिटी, ओके, आपका नॉर्मल होना यहां पे बहुत जरूरी है जीने के लिए। उसके अंदर अगर छेद करोगे ना, जो तो वो कहते हैं ना, जिस थाली से खाते हो उसी में छेद करते हो, वैसे हो जाएगा। भैया दिमाग को सही सलामत रखो, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। ये स्टोरीज हैं राम लक्ष्मण, ये वो भगवान, ये सारे जो स्टोरीज हैं ना, ये स्टोरीज ही हैं, स्टोरीज को स्टोरीज ही रहने दो। उनसे पॉलिटिकल मैसेजिंग मत लो, उनसे लाइफ मैसेजेस मत लो। लाइफ को एक अलग मापदंड से देखना पड़ता है, एक अलग अलग मेजर से तोलना पड़ता है। ओके, वो आपके लाइफ का गाइड नहीं हो सकता है। धर्म यानी कि रिलीजन यानी कि फेथ आपके लाइफ का गाइड नहीं हो सकता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन मैं हिंदुइज्म की बात करूंगा, हिंदुत्व की बात करूंगा। इट इज नॉट अ सेफ गाइड टू लाइफ। प्लीज अवॉइड making holes in your own sanity, in your own mind. Preserve your mind, preserve your sanity. Regain your sanity if you lost it. मैं हूं आपका दोस्त कृष्टि अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।